हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। मैं आज सैमसंग वर्सेज लॉयड की एलईडी की कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको। सैमसंग का मॉडल आपको देखने को मिलेगा 4310, वहीं आपको लॉयड के अंदर मॉडल देखने को मिलेगा 670A। तो इन दोनों ही मॉडलों की मैं आज कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको, वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी कैसी अपने को देखने को मिलती है, वारंटी वगैरह जो भी डीपली रहेगा वो आपको इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ सबसे पहले इनके बेजल की। तो यहाँ सैमसंग में अपने को मोटा बेजल देखने को मिल रहा है, वहीं लॉयड के अंदर अपने को बिल्कुल स्लिम बेजल यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा फर्क यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है, यहाँ विनर लॉयड ही हो रहा है। बढ़ता हूँ मैं इनके अगले फीचर्स की तरफ। तो यहाँ दोनों ही एलईडी स्मार्ट एलईडी अपने को देखने को मिलेगी। सैमसंग के अंदर अपने को एक यूएसबी 2 एचडीएमआई पोर्ट देखने को मिलेंगे, वहीं लॉयड के अंदर आपको 2 एचडीएमआई और 2 यूएसबी पोर्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ सैमसंग के अलावा एक एचडीएमआई पोर्ट एक्स्ट्रा यहाँ देखने को मिल रहा है। बात करूँ मैं इनके ऑडियो स्पीकर की, तो यहाँ अपने को 10 वाट के सैमसंग में 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं जिनका टोटल आउटपुट 20 वाट है। वहीं लॉयड के अंदर आपको 8-8 वाट के 2 स्पीकर देखने को मिलेंगे जिनका टोटल आउटपुट 16 वाट है। लेकिन ऑडियो की क्वालिटी तो मैं आपको कंपैरिजन कराने के बाद में ही आप डिक्लेयर करना दोनों के अंदर ऑडियो की क्वालिटी किसमें बेस्ट देखने को मिलेगी। बात करूं मैं इनके वीडियो फॉर्मेट की, तो यहाँ दोनों ही एलईडी के अंदर आपको सेम फॉर्मेट देखने को मिलेगा। बात करूं मैं इनके इमेज सपोर्ट की, तो यहाँ सैमसंग में आपको जेपीजी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वहीं लॉयड के अंदर आपको जेपीजी पीएनजी और बीएमपी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी विनर लॉयड ही हो रहा है। बढ़ता हूँ मैं इनके अगले फीचर्स की तरफ। बात करूं मैं इनके स्मार्ट ऑडियो फीचर्स की, दोनों के अंदर ऑडियो लेवलर का सपोर्ट यहाँ अपने को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं करता हूँ इनकी वीडियो टेस्टिंग और ऑडियो टेस्टिंग करके आपको बताता हूँ दोनों एलईडी के अंदर कौन सी एलईडी की बेस्ट क्वालिटी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही एलईडी मैं आपके सामने वीडियो टेस्टिंग कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऑडियो टेस्ट कराता हूँ सैमसंग का। तो फ्रेंड्स, ये था सैमसंग का ऑडियो जो मैंने आपको टेस्ट कराया। अब मैं आपको टेस्ट कराने जा रहा हूँ लॉयड का ऑडियो।
मैंने सैमसंग वर्सेज लॉयड की आपको अभी वीडियो टेस्टिंग और ऑडियो टेस्टिंग कराई, दोनों ही एलईडी की। मेरे को ऑडियो टेस्टिंग भी अच्छी लगी और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी लगी, लेकिन मैं मेरा ओपिनियन देना चाहता हूँ, सैमसंग के अंदर आपको 10-10 वाट के स्पीकर देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना मेरे को आउटपुट देखने को नहीं मिला है जितना मेरे को लॉयड में देखने को मिला है। 8-8 वाट के दो स्पीकर हैं, 16 वाट के स्पीकर हैं, लेकिन ऑडियो की क्वालिटी मेरे को बेस्ट लॉयड में ही लगी है, क्योंकि इसके स्पीकरों में मेरे को बेस्ट जैसी क्वालिटी देखने को मिली है, वहीं सैमसंग में मेरे को क्वालिटी यहाँ देखने को नहीं मिली है। दोनों ही एलईडी के अंदर वीडियो क्वालिटी की मैं बात करूँ तो दोनों में मेरे को सेम वीडियो क्वालिटी देखने को मिली है। बात करूँ मैं इनके प्राइस की तो यहाँ दोनों ही एलईडी के अंदर 1500 रुपये का गैप आपको देखने को मिलेगा। सैमसंग की एलईडी आपको मार्केट में 16500 की मिल जाएगी, वहीं लॉयड वाली एलईडी आपको 18000 रुपये मिलेगी। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना आपको कौन सी एलईडी बेस्ट लगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।